हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अशोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से नोटबुक के लिए पेज डिजाइन करते हैं, यानी कि किस तरीके से कॉपी के लिए पेज डिजाइन करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2007 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का काम वगैरह कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को समझने में आसान होने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 2007 वर्जन यूज कर रहा हूँ, ताकि ये इजी और सब भी आसानी से जान जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेज का साइज क्रिएट करना है। अगर आप लोग दोस्तों छोटा सा नोटबुक के लिए पेज डिजाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको साइज छोटा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा बड़ा वाला कॉपी के लिए ही पेज डिजाइन करना चाह रहा हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको बड़ा वाला पेज ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है पेज लेआउट वाले सेक्शन के ऊपर में। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको जाना है दोस्तों यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन के ऊपर में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चार ऑप्शन है, सबसे पहले मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम। जस्ट आपको दोस्तों यहाँ पर साइज के ऊपर में जाकर आपको E4 साइज ऐड करना। अगर आपको दोस्तों नोटबुक के लिए बनाने चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर E5 साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं E5 साइज। अगर आप लोग दोस्तों नोटबुक के लिए ही डिजाइन करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर E5 साइज ऐड करना है। और आपको दोस्तों कॉपी के लिए डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर E4 साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको E4 साइज सेलेक्ट करते हुए, मैं यहाँ पर आप लोग को A4 साइज सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं मार्जिन नैरो करूँगा। दोस्तों देख सकते हो नैरो मार्जिन करना है। तो दोस्तों दो काम आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले काम आपको क्या है, मार्जिन नैरो, उसके बाद दोस्तों साइज A4 साइज। जस्ट अब आपको इसको यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले काम आपको यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट टेबल्स के ऊपर में जाकर आपको दो टेबल सेलेक्ट करना है, दो नीचे की तरफ, जितना आपको मर्जी आप ले सकते हो। जस्ट आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है। इस तरीके से यूज करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला सेक्शन है ना, इसको आपको इधर रखना है दोस्तों, देख सकते हो। और ये वाला सेक्शन आपको इस तरीके से इधर करना है। इधर करने के बाद दोस्तों ये वाला सेक्शन का आपको इस तरीके से ड्रैग करते हुए कम्प्लीटली अंदर ही करना है इस तरीके से। इतना तक करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ये वाला सिम्बल आ रहा है दोस्तों प्लस वाले, जस्ट इसको क्लिक करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जस्ट अब आपको दोस्तों सबसे पहले काम ये वाला को सेक्शन है ना दोस्तों, ये जो सेक्शन है इस वाले प्लस के ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जस्ट ये वाला सेक्शन को आपको ऊपर की तरफ लेकर आना है। जस्ट इसको यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर आकर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से गैपिंग करना है। आपको जितना गैप इस तरीके से करना पड़े आप इस तरीके से कर लीजिए, थोड़ा सा और गैप आपको पसंद है तो आप इस तरीके से गैप करते हुए यूज़ कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करते हुए लेआउट, और दोस्तों आपको यहाँ पर हाइट इस तरीके से इंक्रीज करना है, जितना आपको इंक्रीज करना है इस तरीके से इंक्रीज कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पर 0.4 के आसपास गैपिंग इंक्रीज कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर 0.3 भी कर सकते हो, या फिर 0.35 के आसपास भी आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोग पेन से इजीली लिख सको। दोस्तों देख सकते हो 0.35, जस्ट एंटर इस तरीके से। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काम इजीली हो चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिजाइन में चेंजेस करना है, ताकि आप लोग इजीली यहाँ पर काम कर सको। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग इस तरीके से एक यहाँ पर बॉर्डर सेलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पेन कलर आप लोग सेलेक्ट करते हुए रेड कलर यूज कर लीजिए, और इसको यहाँ से इस तरीके से यूज कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से यूज कर लीजिए, ताकि कॉपी का जैसा ही लुक आपको यहाँ पर निकल कर आ जाए। जस्ट इसको इधर कर देना है, ताकि इस तरीके से कॉपी जैसा आपको लुक देखने को मिले। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आकर जस्ट आपको कीबोर्ड का टैप बटन प्रेस करते जाना, जितना ज़्यादा आपको कॉलम बनाना है इस तरीके से आप बनाते हुए चले जाना है। दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से आपको क्रिएट करते हुए आपको लेकर आना है। दोस्तों देख सकते हो इसको थोड़ा सा डाउन करते आपको, और एक बार टैप करते हुए इस तरीके से यहाँ पर कम्प्लीटली नोटबुक के लिए एक यहाँ पर पीस रेडी होकर आ चुका है। दोस्तों देख सकते हो इतना तक आपको इसी तरीके से काम करते हुए मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये वाला ऊपर वाले हिस्से के ऊपर में आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है दोस्तों पेज के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको पेज और सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या फिर पेज डेट के लिए यूज़ कर सकते हो।
इंसर्ट जस्ट आपको शेप को जो शेप यहाँ पर पसंद है आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग आपको मैं यहाँ पर समझाने के लिए कि यहाँ पर ये वाला बैनर टाइप का एक शेप सेलेक्ट करते हुए क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जस्ट इसके इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यूज़ करूँगा, थोड़ा सा इसको मैनेज करते थोड़ा सा आपको बड़ा करते हुए, या फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हुए इस तरीके से फोल्डेड वगैरह इस तरीके का भी आप लोग बना सकते हो। कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं, देखने में भी सुंदर सा एक प्यारा सा और अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिले। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, थोड़ा थोड़ा करते हैं आपको मैनेज करते हुए यूज़ करते हैं आपको यहाँ पर यूज़ करते हैं। जस्ट इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हुए इसको मैनेज करते हुए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है, जस्ट इसको क्लिक करते हैं, इसको मैं सिंपली फॉर्मेट के ऊपर में जाकर आउटलाइन कलर रेडी दूंगा। थोड़ा सा आप चाहे तो आउटलाइन या से इंक्रीजमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट आपको इंसर्ट सेल्स और दोस्तों टेक्स्ट मार्क्स यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रॉ करते हुए आपको यहाँ पर टाइप करना है डेट और जस्ट इसको अंडर स्क्रो इस तरीके से टाइप करते आना है। जस्ट इंटर आपको यहाँ पर पेज नंबर जस्ट इस तरीके से यूज करते हुए इस तरीके से पेज नंबर के लिए जगह बनाना है। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको होम सिंपली यहाँ पर आकर नो स्पेसिंग यानी कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के अंदर क्लिक करते यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों इसको फॉर्मेट सेप आउटलाइन नो आउटलाइन सेफ फिल कॉलर नो फिल करते आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फिल करा हूँ। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको ये टेक्स्ट कलर जो कलर पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे कि रेड वगैरह भी अच्छा ही लग रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर आपको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों देख लीजिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली एक नोटबुक के लिए पीस डिजाइन करके रेडी कर चुका हूँ। दोस्तों जस्ट इसको आपको प्रिंट करते हुए जाना है, जितना आपको प्रिंट करना है जैसे कि कंट्रोल पी करते हुए आपको यहाँ पर प्रिंट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जितने कॉपीज आपको यहाँ पर चाहिए वो सेलेक्ट करते हुए जाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 100 कॉपीज मुझे चाहिए, जस्ट 100 कॉपीज टाइप किया। जस्ट यहाँ पर आप लोग चाहे तो बैक टू बैक भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि जस्ट आपको पेजेस यूज़ करते हुए यूज़ कर लीजिए बैक टू बैक वगैरह। प्रिंटर आपको प्रिंट करने के ऑप्शन है तो आप यहाँ पर 2 पेजेस यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जस्ट प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको प्रिंटर का साइज सेलेक्ट करते हुए यूज़ करते हुए आप लोग इजीली प्रिंट वगैरह करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसको बैक टू बैक भी ऑलरेडी प्रिंट होकर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इजीली इसको और आप लोग इजीली कॉपी के लिए इस वाले पेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल वाले सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।